नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर महेंद्र कुमार, कार्डिया असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। टुडे we will be discuss a very important topic of evaluation of work in progress। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है evaluation of work in progress। अर्ध निर्मित माल का मूल्यांकन, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। किसी भी वस्तु का निर्माण जब हम करते हैं तो कुछ वस्तु का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन रहता है, उनका वर्क इन प्रोग्रेस में होता है, पूरा निर्माण उनका होता नहीं है। तो उसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेसेस, अर्ध निर्मित माल का मूल्यांकन। अर्ध निर्मित माल चालू कार्य, वह कार्य है जो अभी तक उत्पादन प्रक्रिया में ही है। अर्धनिर्मित माल का मतलब वह कार्य जो अभी उत्पादन प्रोसेस में चल रहा है, अर्थात जिस पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। प्रत्येक कारखाने में सदैव कुछ ऐसी वस्तुएं रह जाती हैं जिन पर कुछ निर्माण कार्य तो हो चुका होता है परंतु पूर्ण रूप से निर्मित नहीं होती है, पूर्ण रूप से मैन्युफैक्चर फिनिश्ड टच उस पर लगता नहीं है। ऐसी इकाइयां अथवा कार्य को वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोग्रेसेस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका WIP बोलते हैं इसको। ऐसे कार्य का मूल्यांकन करने के लिए इसके संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहली विचारधारा के अनुसार ऐसे कार्य का मूल्यांकन मूल लागत प्राइम कॉस्ट के आधार पर किया जाता है। इस विचारधारा के अनुसार WIP का मूल्यांकन, वर्क इन प्रोग्रेस का मूल्यांकन मूल लागत के आधार पर किया जाता है। इसमें ऊपरी व्ययों का, ओवरहेड का कोई अंश सम्मिलित नहीं किया जाता है, अतः ये एक संकुचित दृष्टिकोण है, एक संकुचित दृष्टिकोण है। दूसरी विचारधारा अधिक यथार्थवादी है। इसके अनुसार ऐसे कार्य का मूल्यांकन कारखाना लागत, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट के आधार पर किया जाता है। यह दृष्टिकोण अधिक सही है क्योंकि अपूर्ण कार्य ऐसी निर्माण अवस्था में होता है जिस पर सामग्री, मटेरियल तथा श्रम, लेबर के अतिरिक्त कारखाने के कुछ ऊपरी व्यय भी आवश्यक हो चुके होते हैं। निर्माण कार्य है वो फैक्ट्री के अंतर्गत चलता है तो उसमें मटेरियल और लेबर के साथ साथ कारखाने से संबंधित ऊपरी व्यय हैं वो भी उन पर हो चुके होते हैं। पता है ऐसे कार्य अथवा वस्तुओं का मूल्यांकन करते समय कारखाना ऊपरी व्यय का भी कुछ अंश सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये दूसरी वाली जो विचारधारा है ये बहुत यथार्थवादी है क्योंकि इसमें कारखाना ऊपरी व्यय को भी सम्मिलित करने का
प्रस्ताव है और कारखाना का मूल्यांकन कारखाना लागत के आधार पर किया जाता है, WIP का, वर्क इन प्रोग्रेस का। अब परिस्थिति देखिए कि यदि प्रश्न में प्रारंभिक व अंतिम चालू कार्य का मूल्य दिया गया हो तो इसका समायोजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। यदि आपको क्वेश्चन में प्रारंभिक और अंतिम WIP का मूल्य दे दिया है तो आपका इसको इसका समायोजन किस प्रकार से करना है देखते हैं। यदि वर्क इन प्रोग्रेस का मूल्यांकन मूल लागत पर किया जाता है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग स्टॉक। इसमें क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस को का ओपनिंग स्टॉक तो ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक की राशि को लेस कर देंगे तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। परिस्थिति क्या है, जब पर्सन में प्रारंभिक और अंतिम चालू कार्य का मूल्य दिया गया हो तो इसका समायोजन निम्न प्रकार से किया जाना चाहिए। क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मटेरियल को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, फिर हम लिखेंगे डायरेक्ट वेजेज और फिर अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो खर्चे हैं डायरेक्ट मटेरियल और वेजेज के अलावा जो खर्चे हैं उसको शामिल करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग स्टॉक और लेस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारी प्राइम कॉस्ट का मूल्यांकन हो जाएगा। यदि वर्क इन प्रोग्रेस का मूल्यांकन कारखाना लागत पर किया जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट पर किया जाता है तो हम किस प्रकार से इसका मूल्यांकन करेंगे, इसकी जानकारी देते हैं कि प्राइम कॉस्ट जो आपको अभी बताया था, प्राइम कॉस्ट में क्या होगा, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों का जो टोटल आएगा उसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो हमारी वर्क कॉस्ट आएगी, परंतु WIP का मूल्यांकन हम फैक्ट्री कॉस्ट पर कर रहे हैं तो इसका समायोजन करने के बाद हमारी वर्क कॉस्ट आएगी, फैक्ट्री कॉस्ट बाद में आएगी। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे, फिर WIP का ओपनिंग स्टॉक का मूल्य ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य क्या करेंगे, लेस करेंगे। ये मूल्य तो हम लेस करेंगे और ये मूल्य हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारी वर्क कॉस्ट वो ज्ञात हो जाएगी। ओके, इसके अलावा यदि वर्क इन प्रोग्रेस का मूल्यांकन मूल लागत तत्वों के अनुसार किया जाता है तो मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा। जैसे कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पर उसका मूल्यांकन करना हो तो हम डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी है और उसका कितना परसेंटेज वर्क इन प्रोग्रेस होगा, इस प्रकार से हम उसका मूल्यांकन करेंगे। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है उसके आधार पर उसका मूल्यांकन हम करेंगे। जैसे 5,000 इकाई पर
डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर है तो इसका इतना परसेंटेज वर्क इन प्रोग्रेस होगा, और शेयर ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, शेयर ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, तो शेयर ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड पर भी इसका मूल्यांकन हम WIP का कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम WIP वर्क इन प्रोग्रेस का मूल्यांकन करते हैं। तीन प्रकार की जो हमारी परिस्थिति है उसके अनुसार इसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं। यदि प्रश्न में आपको प्रारंभिक अंतिम कार्य का मूल्य दिया गया है तो उसका समायोजन करेंगे हम। अगर हम प्राइम कॉस्ट पर उसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो किस प्रकार से समायोजन करेंगे, और फैक्ट्री ओवरहेड पर कर रहे हैं तो हम उसका मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे, और लागत के जो तत्व हैं जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और शेयर इन फैक्ट्री ओवरहेड पे भी इसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।